लव लॉजिक्स हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। हेलो, ओ शीतल, तुम यहाँ पे? हम लेट हो रहे हैं तन्वीर, इसीलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। अब चलें? हाँ हाँ चलो, आई एम रेडी। ये कौन है? डार्लिंग, तुम्हें यहाँ घर तक आने की क्या जरूरत थी? मैं तो आ ही रहा था तुम्हें पिक करने। ओह कम ऑन तन्वीर, आ गई तो क्या हुआ? क्या तुम मुझे किसी से छुपाए रखना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। इतनी खूबसूरत लड़की जो मुझसे प्यार करती हो, उसे मैं किसी से क्यों छुपाए रखूंगा? अच्छा सुनो, आज पार्टी के बाद मेरे घर पे चलें? हाँ चलते हैं ना, थोड़ी देर बातचीत करके फिर मैं वापस अपने घर चला आऊंगा। बातचीत? माँ, मुझे लगता है तन्वीर के लाइफ में कोई और लड़की आ गई है, इसलिए वो मुझे आजकल थोड़ा अवॉइड करने लगे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करेगा वो। अगर गलती से कर भी लिया तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। राधिका अकेली थी, पर तू अकेली नहीं है, तेरे साथ तेरी माँ है। ये शादी जल्द ही होकर रहेगी, देखना तू। शादी मुस्कान के साथ? हाँ दादी, अब तो तन्वीर और मुस्कान शादी कर लिए होंगे, नहीं? तू पागल हो गई है राधिका, तन्वीर किसी से प्यार नहीं करता। मतलब? मतलब मैं तुझसे आज तक एक सच छुपाए रखी हूँ तन्वीर के बारे में। तन्वीर के बारे में सच? कौन सा सच दादी? तन्वीर की एक बहुत ही बुरी आदत है कि वो लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता है, उन्हें शादी ब्याह का झूठा सपना दिखाता है, फिर एक दिन उन्हें छोड़ देता है। सारी लड़कियों को लगता है कि वो तन्वीर को फंसा के रखे हैं, पर असल में तन्वीर अपने हिसाब से उन्हें नचाता रहता है। काम खत्म, फिर कोई और लड़की। नहीं दादी, मैं ये नहीं मानती। अगर ऐसा है तो वो मुझसे शादी क्यों किए थे? क्योंकि तुम पहली लड़की थी जो उसके प्यार के प्रपोजल को ठुकरा दिया था। पर सच कहूं राधिका, तो तुम्हारे टाइम मैं भी उसे पहचान नहीं पाई। दादी, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। एक लड़की को? ये तो नहीं हो सकता। ओह दादी, पिछली बातों को भुला दो ना प्लीज। मानता हूँ मैंने बहुत गलत किया है, पर इस बार मैं सब सही करना चाहता हूँ। राधिका, राधिका है उसका नाम, बहुत ही अच्छी लड़की है दादी। बेचारी की सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती है। मैं तो उससे जल्द ही शादी करके यहाँ पे ले आऊंगा। हाँ शादी? तू सच में उससे शादी करेगा? हाँ दादी, मैं राधिका को बहुत चाहता हूँ। उससे अच्छी लड़की मैंने आज तक नहीं देखा। मैं उसी से ही शादी करके घर बसाना चाहता हूँ, फिर सब ठीक हो जाएगा, देखना आप। पर सबसे पहले मुझसे एक वादा कर, तू राधिका से शादी करने के बाद अपनी पुरानी हरकतें पूरी तरह से छोड़ देगा, कभी कोई लड़की नहीं घुमाएगा और ना ही और किसी से झूठा वादा करेगा। हाँ दादी, आई प्रोमिस, ये सब और कभी नहीं होगा। मैं धोखा खा गई राधिका, तन्वीर मुझसे वादा करके भी तेरे साथ वही किया जो बाकी लड़कियों के साथ करते आ रहा था। दादी, आप मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? सच कहूं तो तन्वीर तुझसे शादी करके पूरी तरह से बदल गया था। बस अपना बिजनेस और राधिका, यही दोनों थे उसके लाइफ में।
तुझसे वो सच में प्यार करता था बेटी। पर वो मुस्कान तनवीर को अपने प्यार में फंसा के तेरा घर तोड़ने के लिए जो सारी हरकतें की, तनवीर की पुरानी आदत वापस आ गई। पर इस सब में मुस्कान की जितनी गलती है, तनवीर की भी उतनी ही गलती है। बसा बसाया घर तोड़ दिया, आगे बहुत रोने वाला है वो, बहुत। दादी, अब मुस्कान के साथ क्या होगा? तुझे मुस्कान की पड़ी है अब, वो सब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी, तू अपने काम और बच्चे पे ध्यान दे। अच्छा तो सुना, तुम्हारे होटल के ओनर आने वाले थे, वो कैसा आदमी है? दादी, एक्चुअली वो ओनर और कोई नहीं, मेरा एक पुराना दोस्त है, रोहित। अच्छा, तो उसके बारे में कुछ सुना? तनवीर, कल कौन आई थी यहाँ पे? मेरी एक दोस्त। क्यों, क्या हुआ? तुम तो बोल रहे थे कि इन्वेस्टर्स के साथ पार्टी है, और दोस्त, और ये लड़की। मुझे जहां तक पता है कि तुम किसी भी दोस्त के साथ पार्टी अटेंड नहीं करते। पता है तो फिर पूछ क्यों रही हो? तुम में जरा सा भी रहम नहीं है। मैं किस हाल से गुजर रही हूँ तुम्हें कोई अंदाजा है? इस वक्त मेरे साथ रहने के बदले बाहर नई नई लड़की घुमा रहे हो। सुनो मुस्कान, तुम मुझे एथिक्स एंड लॉयल्टी का सलाह ना दो तो ही बेहतर होगा, क्योंकि तुम राधिका के बुरे हालत में उसके साथ क्या कर रही थी वो भूल गई? हाँ, अच्छा, अब तुम्हें राधिका पे बहुत तरस आने लगा है? एक बात कान खोल के सुन लो, राधिका वो अकेली लड़की है जिससे मैं प्यार करता था सच्चे दिल से, और तुम, हम दोनों को अलग कर दी। मेरी दादी भी तुम्हारी वजह से मुझे छोड़ के चली गई। मैं अलग कर दी तुम्हें? अगर ऐसा है तो तुम मुझे रात रात भर पार्टीज में क्यों लेके जाते थे? क्यों मेरे साथ रात बिता रहे थे? हाँ, ये सब करने तुम ही मुझे मजबूर की थी। तुम जानबूझकर पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पे आई थी ताकि अपनी सौतेली बहन का घर तोड़ के उसकी जगह ले सको। इसीलिए अगर यहाँ तक पहुंच ही गई हो तो घर पे रहो, बच्चा पैदा करो और उसी के साथ समय बिताओ। मेरे मैटर में इंटरफियर मत करो। और हमारी शादी? जब मेरा मन करेगा तब कर लेंगे, नहीं तो तुम अपने घर कभी भी जा सकती हो। तनवीर, भूलो मत कि मुस्कान की माँ भी यहाँ पे उसके साथ खड़ी है। अच्छा, मेरी अपनी दादी जिनसे मैं इतना प्यार करता हूँ वो राधिका के साथ रहकर भी मेरा कुछ नहीं कर पाए, और आप मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? हाँ बोलिए। भूलिए मत, आप तनवीर ग्रोवर के बंगले में खड़े हैं। 5 मिनट लगेगा मुझे आपको किसी झूठे केस में फंसा के और आपकी ये लाडली को धोखेबाजी और ब्लैकमेलिंग के केस में जेल भिजवाने को। आइंदा मेरे साथ सोच समझ कर बात करना। इस बार मैं राधिका को नहीं छोड़ने वाला, उसको ऐसे घुट घुट के जीते हुए मैं और नहीं देख सकता। तब तक मैं उसका इंतजार करूंगा जब तक वो खुद नहीं मान जाती। मुस्कान, तू डर मत, मैं सब संभाल लूंगी। इस तनवीर को हम जेल भेज के ही रहेंगे। नहीं माँ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तनवीर की पहुंच किस लेवल तक है। अरे मिनिस्टर्स के साथ उठना बैठना होता है उसका, हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते माँ, कुछ नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? मुझे मेरी किए की सजा मिल रही है, तुम्हें रहना है यहाँ पे तो रहो, नहीं तो अपने घर चली जाओ। बिल्कुल नहीं, जब तक तुम्हारी शादी उसके साथ ना करवा लूं तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। और अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।